Hello student, in this video lecture we are going to discuss remaining part of the covalent bond formation, covalent bond, right? Previous classes में हमने covalent bond formation discuss कर लिया था. अब समझेंगे हम इसकी characteristic of covalent bond formation या characteristic of covalent compounds. Number one, physical state. तो covalent compound जो होते हैं they are exist all three state, solid, लिक्विड एंड गैस. ये तीनों स्टेट में मिलते हैं, है ना. जैसे कि फास्फोरस की बात करते हैं तो वो सॉलिड में मिलता है ना. और आप वाटर ले लीजिए, क्लोरीन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन एक्सेट्रा. तो सॉलिड और लिक्विड और गैस तीनों स्टेट में ये मिलते हैं, ठीक है. तो ये इसका एक करेक्टरिस्टिक हो गया. नाउ द नेक्स्ट, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. स्टूडेंट, इनके बीच में बिग वैन डेर वाल्स फोर्सेस भी होती हैं जिसकी वजह से इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम होते हैं. नेक्स्ट, सोलिबिलिटी. सोलिबिलिटी स्टूडेंट ये जो होते हैं कैसे होते हैं, नॉन पोलर. तो जनरली क्योंकि जो कोवलेंट कंपाउंड होते हैं वो कैसे होते हैं, कोवलेंट कंपाउंड नॉन पोलर. अब नॉन पोलर है तो वो नॉन पोलर में ही डिसॉल्व होगा. सो वी कैन से जनरली इनसोल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट. पोलर सॉल्वेंट जैसे कि वाटर होता है तो पोलर होता है. जैसे कि ये वाटर है H2O, तो स्टूडेंट ये देखो पॉजिटिव नेगेटिव, ये क्या है, पोलर है. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंसेस हैं यहाँ पे ज़्यादा, ये पोलर है. अब इसमें अगर आप डिसॉल्व करेंगे फास्फोरस हो गया है ना, कोवलेंट कंपाउंड, तो ये जो होता है स्टूडेंट ये क्या होता है, नॉन पोलर. ये होता है नॉन पोलर और ये क्या होता है, पोलर होता है. तो ये इसमें डिसॉल्व नहीं होती हैं, ठीक है बात. तो जनरली इंसोल्युबल पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर, वाटर में ये डिसॉल्व नहीं होते हैं, बट सोल्युबल इन द नॉन पोलर सॉल्वेंट. अगर नॉन पोलर हो तो जैसे कि बेंजीन क्या है, नॉन पोलर, तो उसमें ये डिसॉल्व हो जाता है. तो हमें ध्यान रखना है लाइक डिसॉल्व्स लाइक, इसका मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट, जो पोलर है वो पोलर में डिसॉल्व होगा और जो नॉन पोलर है वो किस में डिसॉल्व होगा, नॉन पोलर में डिसॉल्व होगा. तो छोटा सा कंसेप्ट है आपको ध्यान रखना है. नाउ द नेक्स्ट वन इज़ द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी. व्हाट इज़ दिस, तो देखो आयंस फ्री होंगे तो सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बहेगी इजीली. तो दे आर नो फ्री आयंस, यहाँ पे इलेक्ट्रिकिटी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के लिए आयंस फ्री नहीं हैं. तो सो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी के ये कंडक्टर अच्छे नहीं होते हैं. ग्रेफाइट एक्सेप्शन है. ग्रेफाइट क्या है स्टूडेंट, एक्सेप्शन इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो कोवलेंट कंपाउंड मोस्टली आपने करेक्टर समझ लिए हैं, ठीक है. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कोवलेंट कंपाउंड के करेक्टरिस्टिक होते हैं, इनको नोट कीजिए. नाउ स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे स्पेशल टाइप ऑफ द कोवलेंट बॉन्ड. दिस इज नोन एज द कोऑर्डिनेट बॉन्ड और डेटिव बॉन्ड. Coordinate bond or dative bond. This is the most important part of the. It is also known as special type of covalent bond. Okay, ये भी क्या एक तरह का covalent bond होता है. तो इसको भी आपको समझना है. In which both the atoms shared electrons are contributed by one atom only. इसमें क्या होता है, एक ही atom electron को share कर रहा है. और covalent में क्या था, mutual sharing थी, यहाँ पे ऐसा नहीं है. इसके पास ए एटम के पास ऑक्टेट कंप्लीट है. ए एटम हैज़ ऑक्टेट कंप्लीट, 2 to 4 8 इलेक्ट्रॉन. बट यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है स्टूडेंट, 6 इलेक्ट्रॉन. तो क्या करेगा ये ए एटम जो हो जाएगा, ये डोनर होगा. ए एटम इज़ डोनर और ये क्या हो जाएगा, एक्सेप्टर हो जाएगा. दिस इज एक्सेप्टर एटम एंड ये अपने दो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, इसको डोनेट कर देगा ऐसे करके, ठीक है. इसने अपने ये दो इलेक्ट्रॉन इसे दिए हैं. तो ए बी के बीच में हम ऐसे, तो हम इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं. ये सिंबल है, ठीक है. जो डोनर एटम होता है उसको एक्सेप्टर की तरफ ऐसे सिंबल से हम दिखाते हैं एरो से, ठीक है. इसको हम बोलते हैं डेटिव बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड, डेटिव बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड, राइट. नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, कॉम्बिनेशन ऑफ अमोनिया एंड बोरॉन ट्राईफ्लोराइड BF3 मॉलिक्यूल. इसमें देखेंगे आप अमोनिया, यू नो अबाउट वेरी वेल, कोवलेंट बॉन्ड आपने सीखा था. अमोनिया के पास एक लोन पेयर फ्री होता है. अगर हम इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं स्टूडेंट यहाँ पे, तो 2 दो लोन पेयर के हैं, 4 5 6 7 8 1 बॉन्ड हैज 2 इलेक्ट्रॉन्स,
तो 2, 2, 4, 5, 6, 7, 8, यानी ये डोनर होगा, ये क्या हो जाएगा, डोनर, अपने दो इलेक्ट्रॉन ये इसको क्या करेगा, डोनेट करेगा। तो देखो बॉन्ड कैसा बनेगा स्टूडेंट, एन H3 ऐसे एरो से शो करेंगे और बोरॉन ट्राईफ्लोराइड को ऐसे लिखेंगे। तो ये क्या बना, एक तरह का कोऑर्डिनेट बॉन्ड और नेटिव बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, सिंपल। तो यहाँ तक आप नोट कीजिए, सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको समझना है, कोवेलेंट बॉन्ड ही है, लेकिन इसको हम एक ऐसे एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये एरो किसके लिए है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के लिए है, और ये एक स्पेशल टाइप का कोवेलेंट बॉन्ड ही होता है। बस इसमें क्या है डिफरेंसेस कोवेलेंट में और इसमें, कि इसमें एक ही एटम इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहा है, ठीक है। कंडीशन बाकी सब कोवेलेंट वाली ही है ना। देखो यहाँ पर कंडीशन सब कोवेलेंट वाली हैं, नॉन मेटल, नॉन मेटल कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है, यहाँ पे नॉन मेटल कोवेलेंट बॉन्ड है ना। बट इसने क्या करा, अपना एक पेयर इसको डोनेट करा, क्योंकि इसके पास कम था, ठीक। नोट कीजिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। नाउ स्टूडेंट समझेंगे सम मोर इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन। फॉर्मेशन ऑफ द अमोनियम आयन वेरी सिंपल, हम अमोनिया लेंगे, दिस इज अमोनिया मॉलिक्यूल, यू नो अबाउट अमोनिया हैव अ लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और ये हाइड्रोजन, ठीक है। यहाँ पे ये क्या होगा, डोनर होगा, क्योंकि 2, 2, 4, 5, 6, 7, 8 है ना, 2, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 8 इलेक्ट्रॉन है, तो ये डोनर है और ये हाइड्रोजन होगा एक्सेप्टर, राइट। ये अपना एक लोन पेयर इसको डोनेट कर देगा और अब आपको इस तरह का बॉन्ड देखने को मिलेगा। दिस इज द अमोनियम आयन एंड इसको हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अपना एक लोन पेयर इसने डोनेट कर दिया, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हमको दिखाई देता है, ठीक। तो ये बना आपका अमोनियम आयन, इसको आप यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज को लगा सकते हैं। तो इस तरह से अमोनियम आयन का फॉर्मेशन होता है। अब हम पढ़ेंगे H2O2 का फॉर्मेशन। H2O2 में देखो कैसे बनता है, पहले हम वाटर का मॉलिक्यूल लेंगे। आपको पता है कि वाटर के मॉलिक्यूल में इस तरह से ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर बचता है, आप जब कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन देखते हैं, तो इस तरह से आपने बना लिया था, ठीक है। ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन के पास 1, 2, 3, 4, 5, 6। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पे 2, 2, 4, 5, 6, 7, 8, यानी ये जो हो जाएगा डोनर है और ये आपका एक्सेप्टर हो जाएगा, ठीक है। ये अपना एक लोन पेयर क्या करेगा, इसको ये वाला अपना लोन पेयर इसको देगा, है ना। ये तो अपना शेयर करेगा, ये वाला आइटम तो अपना लोन पेयर इसने इसको दिया होगा, है ना। तो अब जो बनेगा स्टूडेंट बॉन्ड कैसे बनेगा, H O H, यहाँ पर एक ही लोन पेयर, ऐसे ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड और ये स्टूडेंट ऑक्सीजन। तो ये जो बनता है ये है H2O2, ठीक है। यहाँ पे ये आपको कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिखाई दे रहा है, सिंपल। अब ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है, यहाँ 2 लोन पेयर बचेंगे, इसको आप ऐसे ही लिख देंगे, 3 लोन पेयर, सॉरी, 1 लोन पेयर, 2 लोन पेयर एंड 3 लोन पेयर। देखो 3 लोन पेयर 6 इलेक्ट्रॉन और इस दो इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड में होंगे, यानी ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर भी देखेंगे ऑक्सीजन में ये दो, एक एक बॉन्ड, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन एंड इस बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन, इस बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन एंड एल्सो 2 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन, यानी ऑक्टेट डबलेट सबके कंप्लीट हैं और यहाँ पर क्या बनेगा, एक तरह का कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ओजोन की बात कर लेते हैं, वेरी सिंपल। ओजोन में क्या होता है, O2 मॉलिक्यूल, तो स्टूडेंट ये O2 मॉलिक्यूल है। O2 आपने पढ़ा था, डबल बॉन्ड मीन्स यहाँ पे ये कोवेलेंट बॉन्ड होता है और यहाँ पे क्या होते हैं, लोन पेयर बचते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी 2 लोन पेयर यहाँ पर और 2 लोन पेयर यहाँ पर बचे होते हैं, ठीक है। तो कोवेलेंट बॉन्ड बना के प्रैक्टिस करेंगे, फिर आप आगे बढ़ेंगे। ओजोन की रिएक्शन आप करा दीजिए ऑक्सीजन से, यानी ऑक्सीजन जो स्टूडेंट इसके पास होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 होते हैं लास्ट सेल में बैलेंसी इलेक्ट्रॉन। तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, आप क्या करेगा, यहाँ से ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा, ये डोनर और ये क्या हो जाएगा, और ये एक्सेप्टर,
आपको कुछ इस तरह का बॉन्ड दिखाई देगा, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे दो लोन पेयर ऐसे ही बचेंगे एंड इसने अपना एक लोन पेयर इसको डोनेट किया है। ऑक्सीजन के पास देखो 1 2 3 4 5 6 थ्री लोन पेयर ऐसे ही रहेंगे, है ना, 1 लोन पेयर 2 लोन पेयर 3 लोन पेयर और 6 1 लोन पेयर ये इस बॉन्ड के, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स। सिमिलर एज ऑक्सीजन ने अपना एक पेयर डोनेट कर दिया है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, तो 1 2 3 4। तो स्टूडेंट ये जो है O3 का मॉलिक्यूल है। आगे आप फॉर्मल चार्ज पढ़ेंगे तो उसमें ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, इसलिए आपको ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड आना चाहिए, ठीक है। तो डोनर एक्सेप्टर समझ में आ गया। अब एक स्पेशल टाइप का केस आया था है CO। तो कार्बन जो है स्टूडेंट इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, आपको दिखाई दे रहे हैं ये। ऑक्सीजन के पास 1 2 3 4 5 6 होते हैं। तो पहले क्या होगा स्टूडेंट, जो ये कार्बन है इसके, इसको हम इस तरह से लिखेंगे स्टूडेंट, कार्बन के जो 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं, पहले ये कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेंगे। तो कैसे करेंगे कोवलेंट बॉन्ड, जैसे ये 2 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे, है ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग ऐसे करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन इसने इसके साथ शेयर कर लिए तो यहाँ पे स्टूडेंट 8 हो गए, ऐसे इसने भी पहले 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की इसके साथ, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। तो 2 2 की शेयरिंग से स्टूडेंट, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से ये डबल बॉन्ड बनेगा। अब क्या करेगा ये ऑक्सीजन के पास, जब 8 हो जाते हैं कंप्लीट, तो अपना एक पेयर उठा के ये इसको कार्बन को दे देता है फिर से, ठीक है, अपना एक पेयर उठा के इस कार्बन को दे देता है फिर से। एक बार दोबारा से समझिए, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन के पास 6 हैं, 2 2 की शेयरिंग करी, ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है ना, 2 2 4 6 और 2 इसके लिए। अभी कार्बन ने 2 2 और 2 यहाँ से शेयर करे तो देखो 1 2 3 4 और ये 5 6 इलेक्ट्रॉनों में भी 2 की कमी है। तो अब क्या करेगा, फिर से ऑक्सीजन कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, यानी ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन फिर से दे दिए हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन जो है डोनर का काम कर रहा है, ध्यान रखना है आपको, यहाँ पे ऑक्सीजन क्या डोनर और कार्बन क्या होगा एक्सेप्टर, ठीक है। यहाँ पे देखो स्टूडेंट ये वाला एक पेयर बचेगा ऑक्सीजन के पास, यहाँ पे एक पेयर बचेगा, हम इसको क्रॉस ना बना के फिर से सिम इसको डॉट से रिप्रेजेंट कर देंगे, और यहाँ पे कार्बन के पास भी एक लोन पेयर ऐसे ही बच जाएगा, सिंपल होगी बात। तो ये था एक तरह का कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और यहाँ पे दोनों एक साथ हो रहे हैं, कोवलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी जगह क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, फॉर्मल चार्ज में यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले आपको फॉर्मल चार्ज पढ़ने से पहले कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन सीखना ज़रूरी है, ठीक है। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ द कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन, इसको नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। नाउ स्टूडेंट सम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कोऑर्डिनेट बॉन्ड, फर्स्ट वन फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट स्टूडेंट सॉलिड लिक्विड एंड गैस एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर एंड प्रेशर, टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो सॉलिड लिक्विड गैस के जैसे जैसे कोवलेंट बॉन्ड में होता है वैसे ही दिखाई देते हैं, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हायर देन प्योरली कोवलेंट, ठीक है, उनसे थोड़े से ज़्यादा होते हैं, बट लोअर देन आयनिक से कम होते हैं, ठीक है। सोलिबिलिटी की बात करते हैं तो ये पोलर सॉल्वेंट में अच्छे से डिजोल्व नहीं होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये नॉन पोलर होते हैं, बट अगर इनको नॉन पोलर मिल जाए जैसे बेंजीन तो इजीली डिजोल्व हो जाते हैं। तो कोवलेंट की ही जैसी प्रॉपर्टी है, कंडक्टिविटी भी, बैड कंडक्टर ऑफ बैड कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स, करेक्टरिस्टिक ऑफ कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।